दोस्तों, दिल्ली में नई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सभी सब्जेक्ट्स की टीचिंग जॉब्स यहां आई हुई हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी इनके लिए शुरू हो गई है। सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे 17 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए ये वैकेंसियां हैं। दोस्तों, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली ही रहेगी क्योंकि दिल्ली में ही रिक्रूटमेंट है। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट के साथ साथ अन्य नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखते हैं ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से पदों का विवरण, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, आवेदन करने की अंतिम तिथि, एप्लीकेशन फीस और कहां कैसे जाके आपको इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से पदों का विवरण देखिए। बोटनी की 8 वैकेंसियां आई हुई हैं, केमिस्ट्री की 3 हैं, कॉमर्स की 17 हैं, इकोनॉमिक्स की 10 हैं, एजुकेशन की 5 हैं, इंग्लिश की 8, हिंदी की 5, हिस्ट्री की 6 हैं, मैथमेटिक्स की 10 हैं, माइक्रोबायोलॉजी की 3, फिलोसफी की 4, फिजिकल एजुकेशन 1, फिजिक्स की 4, पॉलिटिकल साइंस की 4, साइकोलॉजी की 8, संस्कृत की 1, जूलॉजी की 3। कुल 100 पदों पे ये रिक्रूटमेंट आई हुई है और रिक्रूटमेंट आ रही है गार्गी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, गार्गी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट या आप बोल सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये लिंक है दोस्तों, इस लिंक पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, colrec.uod.ac.in। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है गार्गी कॉलेज की, gargicollege.in। गार्गी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ऑनलाइन आवेदन करने का ये लिंक मिल जाएगा और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, टीचिंग जॉब्स हैं 2023 के लिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2023 या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन के 2 सप्ताह के अंदर अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। आज 17 मार्च है तो आप 25 मार्च भी अगर मान के चलते हैं तो लगभग 1 सप्ताह का आपके पास समय है। अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी ए और बी, या तो एलिजिबिलिटी ए आपके पास हो या फिर एलिजिबिलिटी बी आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी ए क्या है? मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में या रेलिवेंट या अलाइड सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ आपका नेट क्लियर होना आवश्यक है। तो ये एलिजिबिलिटी ए हो गई है, अगर आपके पास है तो आवेदन कर दीजिए। और एलिजिबिलिटी बी में है पीएचडी डिग्री। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो फिर आपको नेट की आवश्यकता नहीं है, आप पीएचडी के बेसिस पे भी इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी ए और बी हो गई है। अब एप्लीकेशन फीस और देख लेते हैं, इन पदों के लिए क्या निर्धारित की गई है गार्गी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने अभी आपको बताई है। एप्लीकेशन फीस 500 रुपए है इनके लिए, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए। फीस अगर आपने एक बार जमा करा दी तो किसी भी परिस्थिति में वो वापस नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल शॉर्ट में आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।